उत्तर प्रदेश के देवरिया के जनपद की पुलिस ने अब जनता की शिकायतों को सीधा अपने पास कर लिया है, जिसमें फरियादी बिना किसी प्रार्थना के ही पुलिस कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस कार्य के बाद उन्हें एक स्लिप भी दी जा रही है। हमारा जमीन का अधिकार चल रहा है, जो हमारा पिताजी वाला है वो पक्का नाम बनाया हुआ है, पुलिस वालों ने क्या किया है? पुलिस इसके पहले मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ, अभी यहाँ पुलिस वालों नहीं आई। फर्स्ट बार क्या सुन के आए हैं यहाँ पे? आप कुछ सुन के यहाँ पे आए हैं? आया हूँ सर, बस एप्लीकेशन। पुलिस ने एक नई योजना हेल्प डेस्क शुरू की है लोग मदद करने के लिए, वो आप सुन के आए हैं? कैसे आए हैं? नहीं, कोई एक आदमी मेरे को बताया कि आपको वहाँ पर चाहिए, आप किसी तरह से क्या और आप अपना परेशानी बताइए। आपका एप्लीकेशन दीवान जी लिखना है? दीवान जी एप्लीकेशन पर लिखा है, टाइपिंग करवा चाहूँगा यहाँ पर, मैं दिया आपके सामने भी दिया। इसकी आपकी रसीद भी मिली है? हाँ, रसीद मिला। हमारा जमीन का अधिकार चल रहा है, जो हमारा पिताजी वाला है वो पक्का नाम बना हुआ, खरंजा किया और दो बार मना करने पर गाड़ी चला गाड़ी की तस्ती की माना। अभी कहाँ पर आप आए? एप्लीकेशन लाए थे? एप्लीकेशन लाए थे? पुलिस वालों ने क्या किया है? पुलिस इसके पहले मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ, पैसा फूल करवाई, अभी यहाँ पुलिस वालों नहीं आई। फर्स्ट बार क्या सुन के आए हैं यहाँ पे? आप कुछ सुन के यहाँ पे आए हैं? आया हूँ सर, बस एप्लीकेशन। पुलिस ने एक नई योजना हेल्प डेस्क शुरू की है लोग मदद करने के लिए, वो आप सुन के आए हैं? कैसे आए हैं? नहीं, कोई एक आदमी मेरे को बताया कि आपको वहाँ पर चाहिए, आप किसी तरह से क्या और आप अपना परेशानी बताइए। आपका एप्लीकेशन दीवान जी लिखना है? दीवान जी एप्लीकेशन पर लिखा है, मैं टाइपिंग करवा चाहूँगा यहाँ पर, मैं दिया आपके सामने भी दिया। इसकी आपकी रसीद भी मिली है? हाँ, रसीद मिला। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि यहां पर एक प्रिटेंट प्रोफार्मा पर यहां एक हेल्प डेस्क बनाकर जनता को सुविधा दी जा रही है, जो दूर दराज से लोग आते हैं उन्हें सुविधा दिलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। देखिए, एक प्रिंटेड प्रोफार्मा पे यहां एक हेल्प डेस्क बना करके जनता की सुविधा के लिए, जो दूर दराज से आते हैं और दरख्वास्तों में अपनी बात नहीं लिख पाते हैं, उनके लिखवाने की व्यवस्था की गई है। और ये प्रिंटेड प्रोफार्मा पे है, जिसको एक आईडी नंबर दिया गया है। इससे जनता के लोगों को शिकायत में ये सुविधा मिलेगी कि वो अपनी एप्लीकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस जगह पर है और क्या उनकी एप्लीकेशन में हुआ। आरटीआई के तहत भी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उनको अगर नंबर की सुविधा रहेगी तो ये पता रहेगा कि उनकी एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई हुई। दूसरी बात यह है कि उसी एप्लीकेशन का जो प्रिंटेड प्रोफार्मा है, उसी के बैक साइड पर जो जाँचकर्ता अधिकारी हैं उसके लिए ये प्राविधान दिया है कि वो 7 दिवस के अंदर उस पर जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वैधानिक रूप से करके और उसको मेरे कार्यालय में वापस करें। अगर 7वें दिन वो एप्लीकेशन वापस नहीं आती तो 8वें दिन जो जांच करता है उसको स्वयं लेके आने का आदेश किया गया है। इसका नतीजा कल ये मैंने देखा कि इम्पैक्ट इसका ठीक हुआ और एक अभियान चला करके जो पेंडिंग एप्लीकेशंस थी उसमें 416 एप्लीकेशंस का एक दिन में निस्तारण किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इससे जनता को भी सुविधा मिलेगी और जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उसमें पारदर्शिता, शुचिता और पवित्रता आएगी और त्वरित गति से निस्तारण होगा। SPN 9 न्यूज के लिए देवरिया से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।